हिंदुस्तान के सबसे कामयाब कैप्टन्स में से एक, धुरंधर खिलाड़ियों में से एक सौरव गांगुली, उनका नज़रिया मायने रखता है। स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिनेश गौतम और मेरे साथ हैं हमारे खेल पत्रकार, हमारे एक्सपर्ट मनोज जोशी जी। तो हम सौरव गांगुली के नज़रिए की बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा है कि रोहित शर्मा से टेस्ट में भी ओपन कराया जाना चाहिए। अगर सौरव गांगुली जैसा अनुभवी और महान खिलाड़ी ये कहता है तो उसमें कोई बात तो होगी, वो बात क्या है और ऐसा कराना क्या वाकई टीम इंडिया के हित में हो सकता है? मनोज जी, हाँ, मुझे तो बड़ा दमदार बात लग रही है, बहुत दमदार सुझाव लग रहा है। आप अक्सर जो है आलोचक जो है ये कहते हैं कि भाई दोनों की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है, वनडे क्रिकेट की और टेस्ट की। वहाँ रेड बॉल का इस्तेमाल होता है टेस्ट में, यहाँ वाइट बॉल का इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये उठता है कि वाइट बॉल तो इनिशियल स्टेज पर ज़्यादा स्विंग करती है और स्विंग पर वो फंसते भी हैं शुरुआती दौर में, इसलिए वनडे क्रिकेट में वो आते ही ताबड़तोड़ शॉट्स नहीं खेलते। आपने देखा होगा रोहित शर्मा को, वो कुछ जमने में समय लेते हैं। उसकी वजह ही ये है कि जो इनिशियल स्टेज पर जो बहुत ज्यादा स्विंग होना गेंद का, उस पर वो अपने कदमों को रोक के रखते हैं, अपने आप पर पूरी तरह अंकुश लगाते हैं। लेकिन जो लाल गेंद है, रेड गेंद है, बॉल है, वो सफेद की तुलना में इनिशियल स्टेज पर कम स्विंग होती है। इस पर उनको बल्कि मैं कहूंगा बेनिफिट रहेगा। राइट। और जो वो छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं टेस्ट क्रिकेट में, आप देखिए अजिंक्य रहाणे पांचवें नंबर पर, छठे नंबर पर जब दोनों को एक साथ खिलाया जाता है, जैसे कि आपने देखा श्रीलंका के खिलाफ खिलाया गया था, तो छठे नंबर पर जो है ना, जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो गेंद रिवर्स स्विंग ले लेती है और रिवर्स स्विंग उनके लिए और चिंता का विषय है। तो बेहतर होगा कि मैं कहूंगा ये सौरव गांगुली का सुझाव, इस पर अमल किया जाना चाहिए, क्योंकि ना तो वो रिवर्स स्विंग खेलेंगे और इनिशियल स्टेज पर स्विंग से भी बचेंगे और अपनी नेचुरल गेम खेलते हुए मुझे लगता है कि उनको वनडे क्रिकेट से ज्यादा कामयाबी इनिशियल स्टेज पर ही मिलेगी टेस्ट क्रिकेट में। तो ये क्या जो ये क्रिकेट में जो टेस्ट मैच में एसडी क्रिकेट बॉल इस्तेमाल होती है और जो वाइट गेंद इस्तेमाल होती है वनडे में कूकाबुरा की, क्या उसका फर्क भी है जिसकी वजह से सौरव ये सोच रहे हैं? हाँ, कूकाबुरा बॉल भी काफ़ी स्विंग होती है और वैसे तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने डिमांड की है कि वो कूकाबुरा से नहीं बल्कि जो ड्यूक बॉल है जो इंग्लैंड में बनती हैं उससे वो खेलना चाहते हैं। तो वो काफ़ी स्विंग होती है, बल्लेबाजों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण भी होती है। तो यहाँ एक रियल इम्तिहान होगा अगर रोहित शर्मा को ओपनिंग के लिए उतारा जाता है तो। और यहाँ देखना ये भी होगा कि रोहित शर्मा जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छे नहीं चले, उनको ड्रॉप करना पड़ा था। और एक ये भी एक कड़वा सच है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत एवरेज रहा था। लेकिन अब सवाल उठता है कि दूसरे जो प्लेयर हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, हम तुलना तो तभी कर सकते हैं। अब चर्चा होती है अजिंक्य रहाणे के साथ, इनकी तुलना की जाती है। अब अजिंक्य रहाणे भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत नहीं चले, तो मैं तो कहूंगा कि ये आदर्श स्थिति है, दोनों को आप खिलाइए टीम में, दोनों आपके पास प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, एक को आप ओपनिंग में लाइए मयंक अग्रवाल के साथ, क्योंकि पृथ्वी शाह जो है जो स्थापित बल्लेबाज हैं टेस्ट क्रिकेट के, वो डोपिंग की वजह से अभी उन पर बैन लगा हुआ है। तो आपके पास जो विकल्प हैं उन विकल्पों का जो अगर आपको अधिकतम इस्तेमाल करना है, बेहतरीन इस्तेमाल करना है, तो यही है कि मयंक अग्रवाल के साथ रोहित शर्मा ओपन करें और अपनी जो परंपरागत जगह है अजिंक्य रहाणे की पांचवें नंबर की, वहां पर वो बहाल रखें और जिससे मध्य क्रम में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे टीम को मजबूती दें। अजिंक्य और इनके बीच में तो एक स्पर्धा भी देखने को मिलती है, वो उस स्पर्धा का भी शायद टेस्ट में फायदा मिले। जी हाँ, बिल्कुल, स्पर्धा तो होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा अगर ना हो और आपको एक एक जगह के लिए कई कई दावेदार हों, तो इसीलिए तो हम टेस्ट में नंबर वन रहे हैं। लेकिन अगर रोहित का आप टेस्ट में ये समझते हैं कि इस तरीके से वो कमाल करेंगे तो टेस्ट में उनके क्रेडेंशियल्स भी इस बात को सपोर्ट करने चाहिए ना? शुरुआती, आपका बहुत अच्छा सवाल है, शुरुआती दौर में तो ऐसा लगा था जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आते ही उन्होंने सेंचुरी से शुरुआत की थी, दूसरा मैच आया दूसरे में भी सेंचुरी उन्होंने बना दी, वेस्ट इंडीज की टीम ही थी और अब भी वेस्ट इंडीज की टीम है। लेकिन उसके बाद जो जैसे जैसे आगे उनको साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन अब जो है ना समय बदल गया है काफी। अब देखिए आप, आज वो दुनिया के, बेशक फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया के अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 3 ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, वो दुनिया के अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी बनाई है, आज तक कोई नहीं बना पाया। तो जिस तरह से मैं कहूंगा इस वनडे की फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करने का बिल्कुल सही समय है और सही समय वेस्ट इंडीज का दौरा है और वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है और अगर टेस्ट क्रिकेट में अगर उनको आजमाइश की जाती है बतौर ओपनर तो ये बहुत बढ़िया होगा और ये भविष्य के लिए आपकी जो ओपनिंग की समस्या है उसका निदान आपको मिल जाएगा। तो सौरव गांगुली जो कुछ कह रहे हैं उस पर मनोज जी भी मोहर लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये मोहर रिजल्ट भी देने वाली है? ये तो जाहिर है वक्त ही डिकोड करेगा।
लेकिन जब एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं और इतना अनुभवी बल्लेबाज कहता है तो उसको वक्त को बहुत हद तक पढ़ना भी आता है। फिलहाल इतना ही।